देश में भी एक भगीरथ कार्य पूरा करना है। ये काम है पानी को लेकर। दुनिया की आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग पानी के लिए हम करने वाले हैं। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। नदियों का पानी हो, समंदर का पानी हो, बारिश का पानी हो, प्यासे गांवों ढाणियों तक इस पानी को पीने लायक बना करके पहुंचाने का मिशन चलाया जाएगा। जितने भी हमारे बांध आज सूखे पड़े हैं, इसको पुनर्जीवित करने के लिए एक ईमानदार प्रयास हम करने वाले हैं साथियों। और मैंने पिछली बार राजस्थान आया था, मैंने कहा था कि सिंधु नदी के संबंध में, पानी के संबंध में पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ और दिल्ली में सरकारें सोती रही, पानी हमारा हक का पानी पाकिस्तान में जाता रहा, अब एक बूंद पानी नहीं जाने दूंगा। अभी अभी अमेरिका से, न्यूयॉर्क से मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि आज यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा दिया है। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। एक समय था जब देश में ऐसी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री तक की आवाज सरकार में भी कोई नहीं सुनता था, और आज देश ने देखा है कि यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ, कैसे 130 करोड़ जनता की आवाज पूरे विश्व में दहाड़ रही है। ये है नया भारत, और ये है इस नए भारत की ललकार। आज भारत की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। भारत की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये बात आज साबित हो गई है।